मैं क्लास स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी, सब्जेक्ट हिंदी आज चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे, है ना। हम भारत की शान है, आपके चैप्टर का नाम है हम भारत की शान है ना। ये कविता है, ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 97 निकाल लीजिए, है ना। हम भारत की शान है 14 चैप्टर, इसमें बच्चे देश की भविष्य है ना, वे हमारे देश की शान है। बच्चे देश का भविष्य है, वे हमारे देश की शान है। इस कविता में बच्चे बता रहे हैं कि वे कैसे कैसे काम करके देश को आगे बढ़ाएंगे। इस कविता में यह बताया गया है कि जो हमारे आज के देश के बच्चे हैं वो कैसे कैसे काम करके इस देश को आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो हमारे देश का गौरव इस कविता के बच्चे बता रहे हैं कि देश की विरासत उनके ऊपर ही निर्भर है। देश की विरासत किसके ऊपर निर्भर है? बच्चे के ऊपर निर्भर है ना। उन्होंने बताया कि कैसे कैसे काम करने से वे देश को आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने ये बताया है कि हम कैसे कैसे काम करेंगे तो हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। जो हमारे आज के डेट के बच्चे हैं वो आगे हमारे भविष्य में बहुत कुछ कर सकते हैं, वो हमारे देश का नाम रोशन कर सकते हैं, हमारे देश के लिए अलग अलग रूप में अलग अलग प्रकार के रोल लेके आए हैं। वो उनका जो मंजिल वहाँ तक जाना चाहते हैं, अगर वो सच्चे मन से मेहनत लगन से काम करेंगे तो देश में नाम रोशन करेंगे और देश को आगे भी बढ़ाएंगे, है ना। तो हम भारत की शान से ये चैप्टर से आइए हम देखते हैं। इसमें ये चैप्टर देख लीजिए, इसमें पिक्चर बनाया गया, हम चाहे तो इसका एक चार्ट पेपर पर बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, है ना। एक चार्ट पेपर लीजिए, उसको ड्रॉ कीजिए, हम भारत की शान लिख के फिर बॉयज गर्ल्स का पिक्चर बनाइए, हाथ लिख लीजिए और ये जो कविता है वो आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं, है ना। तो एक ये आपका एक छोटा सा प्रोजेक्ट पैड का भी हो जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा, है ना, कि कुछ वर्क आप कर रहे हो। तो इस कविता के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, है ना। चलिए, नन्हे नन्हे हमें ना समझो, नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है, हमसे ही है धरती सारी, फैला यह आसमान है। यह कविता है, जैसे कि सपोज डेट हमने आपको कविता लिखने के लिए बोलते हैं कि काव्य पंक्तियों को पूरा कीजिए, यहाँ काव्य पंक्तियों है ना वो पूरा कीजिए, या इसका भावार्थ लिखिए, अर्थ लिखिए। अगर पूरा करने के लिए लिखा है तो आपको क्या करना है, अपने टेक्स्ट बुक में से देखना है, इस काव्य को देखना है कि कैसे लिखा, जैसे कि सपोज डे ऐसे करते हैं नन्हे, ओके नन्हे, है ना। फिर यहाँ से जैसे आएगा आपका ऐसे, और लास्ट में लिखा रहेगा यह आसमान है, यह आसमान है ना। तो आपको क्या करना है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ये कहाँ से लिखे, नहीं, आपको टेक्स्ट बुक में निकालना है हम नन्हे नन्हे हमें न समझो। तो यहाँ हमें नन्हे लिखा है, तो इसके आगे आपको क्या लिखना है, हमें न समझो हम भारत की शान है, ऐसे कई लाइन लिखिएगा, हम भारत की शान है, फिर हमसे ही है धरती सारी, थर्ड में लिखिएगा हमसे ही है धरती सारी, फैला यह आसमान, यहाँ फैला यह आसमान। तो ये आपका काव्य पूर्ण हो गया, कंप्लीट हो गया, ओके। तो इसका आंसर, अगर यही लिखा हुआ है पंक्तियों को, काव्य पंक्तियों को पूर्ण कीजिए, यहाँ अगर आपका लिखा हो जाएगा अर्थ लिखिए, तो हमें क्या करना है, यहाँ अर्थ लिखना है, मीन्स इसका इसके बारे में आपको लिखना है कि ये कविता हमें क्या बताया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, इससे क्या हमें सीख मिल रही है ना। तो मैं आपको इसका अर्थ बता रही हूँ कि नन्हे नन्हे न समझो हमको, हम भारत की शान है। इस कविता से यह हो रहा है कि हम छोटे छोटे, हमें छोटे छोटे मत समझो, हमें छोटे छोटे बालक मत समझो, हम भारत की प्रतिष्ठा है, हमसे ही सारी धरती टिकी हुई है। हम क्या है, हम भारत की प्रतिष्ठा,
प्रतिष्ठा है, हमसे ही सारी धरती टिकी है ना। और यह आसमान भी फैला हुआ है, यह आसमान भी फैला हुआ है। सेकंड देखिए पैराग्राफ, फूल है हम इस बगिया के, फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है, चढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे कस्ते काम महान। फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलना काम है, चढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे करते काम महान है। मीन्स हम क्या है, करते काम महान है। इस कविता का अर्थ यह हुआ कि हम इस उपवन के क्या है, फूल है, हम इस बगिया के क्या है, फूल है ना, हम इस बगिया के फूल है। हमारा काम क्या है, फूल का काम क्या करना होता है, खुशबू फैलाना, हमारा काम खुशबू फैलाना है ना। हम महान काम करते हैं इसलिए ही आगे आगे बढ़ते हैं, हम महान काम ही करते हैं इसलिए आगे आगे ही बढ़ते हैं। थर्ड में देखिए, ऊँचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है, बढ़ते चलेंगे नहीं रुकेंगे, बढ़ते चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। क्या है, बढ़ते चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमें प्रगति करते रहना है, हमें प्रगति करते रहना है, मीन्स ऊँचे ही उठते जाना है, हमें ऊँचे ही उठते जाना है ना, फिर आगे ही आगे बढ़ते जाना है, और आगे ही आगे बढ़ते जाना है, हम बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम बढ़ते चलेंगे हम कहीं नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। हम क्या हैं, हम जो है हम, क्योंकि हम भारत की शान है, तो हम बढ़ते जाएंगे, चढ़ते जाएंगे, ऊंचे बढ़ते जाएंगे, कहीं रुकेंगे नहीं, बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हम भारत की शान है। तो ये आपका चैप्टर यही कंप्लीट हो गया है ना। चलिए हम शब्दार्थ में देखेंगे। शब्दार्थ लिखिए, शब्दार्थ इसका है पहले शब्दार्थ है, फिर इसका मैं मीनिंग भी लिखवा दूंगी आपको कि कविता का सरल अर्थ लिखिए, कविता को अर्थ में प्रयोग कीजिए, कविता को पूर्ण कीजिए। ओके, आपका प्रश्न आएगा, अभी पहले मीनिंग लिखेंगे हम। शान मीन्स प्रतिष्ठा, गौरव, आसमान मीन्स आकाश है ना। टेक्स्ट बुक में देखिए, बगिया मीन्स बगीचा लिखिए, बगिया, बगिया मीन्स बगीचा, बगीचा राइट है ना, बगिया मीन्स बगीचा। फिर है खुशबू मीन्स सुगंध, लिखिए खुशबू, खुशबू मीन्स सुगंध, सुगंध। आसमान मीन्स आकाश है ना। अब आगे हम देखें इसमें अभ्यास में आप देखेंगे कि अभ्यास में देखिए इसमें मुहावरे भी है, निम्नलिखित शब्दों के उदाहरण के अनुसार एक वाक्य बनाइए। पहले मैं आपको मुहावरा बता देती हूँ, खुशबू फैलाना है ना, मुहावरा है खुशबू फैलाना। यहाँ मैं लिख देती हूँ, देखिए खुशबू फैलाना, खुशबू फैलाना का अर्थ क्या होगा। अगर अर्थ लिखना होगा तो अर्थ लिखेंगे, वाक्य में प्रयोग करना होगा तो वाक्य में भी प्रयोग करेंगे। प्रतिष्ठा प्राप्त करना, देखिए प्रतिष्ठा प्राप्त करना, प्रतिष्ठा प्राप्त
पढ़ना है ना, इसका अर्थ हुआ खुशबू फैलाना, प्रतिष्ठा प्राप्त करना। हम इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे है ना, यहाँ लिखे वाक्य राइट, वाक्य में लिखना है आपको। रामा वाहन है ना, रामा वाहन नहीं, रामा वाहन नहीं है लिखेंगे। रामा वाहन ने सेवा कार्य द्वारा अपनी खुशबू फैलाई, रामा वाहन ने सेवा कार्य द्वारा, सेवा कार्य द्वारा अपनी खुशबू फैलाई, लिखे यहाँ अपनी खुशबू फैलाई ना। रामा वाहन ने सेवा कार्य द्वारा अपनी खुशबू फैलाई, फर्स्ट मुहावरा है। सेकेंडली ऊंचे उठना, प्रगति करना, ये वन था है ना। सेकेंड में आपको लिखा ऊंचे उठना, देखिए ऊंचे उठना है ना, ऊंचे उठना मीन्स इसका अर्थ यह हुआ कि प्रगति करना, उन्नति करना, प्रगति करना, प्रगति करना, उन्नति करना, उन्नति करना, प्रगति करना मीन्स उन्नति करना। इसको वाक्य में प्रयोग करना है, वाक्य में प्रयोग करना है कैसे। मेहनती लड़का हमेशा ऊंचा उठता है, लिखिए मेहनती लड़का लड़का हमेशा ऊंचा उठता है, हमेशा ऊंचा उठता है, मेहनती लड़का हमेशा ऊंचा उठता है। ओके चलिए नेक्स्ट है, मैं अब आपको इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना सिखा दिया और लिखा भी दिया। ओके है ना, इसमें एक दो और मुहावरे लिखा देती हूँ जिससे आप लिख सकते हैं। गुस्से से काटना, गुस्से से काटना है ना, ये मुहावरा है। गुस्से से काटना मीन्स बहुत क्रोधित होना, लिखिए बहुत क्रोधित होना, बहुत क्रोधित, बहुत क्रोधित होना, क्रोधित होना, गुस्से से काटना मीन्स बहुत क्रोधित होना। वाक्य है आपका है ना, वाक्य लिखिए इसमें। पुत्र ने चोरी की यह मालूम होने पर पिताजी गुस्से से कांप उठे, पुत्र ने चोरी की, पुत्र ने चोरी
वाली होगी होने पर पिताजी है ना, पिताजी गुस्से से काँप रहे थे, गुस्से से काँप रहे थे। ओके फिर 9, 10, 11 होना, 3 नंबर था ये, 4 में लिखिए 9, 2, 11 होना मीन्स भाग जाना, इसका अर्थ हुआ भाग जाना। देखिए भाग जाना है ना, भाग जाना मीन्स आपको आ गया। चोर ने पुलिस को देखते ही 9, 2, 11 हो गई। चोर ने पुलिस पुलिस को देखते ही है ना 9, 2, 11 हो गया, हो गया है ना, 9, 2, 11 हो गया है ना, राइट। चलिए इसे इरेज कर देती हूँ मैं। कविता का अर्थ लिखिए, ये जो कविता है उसका मैं आपको अर्थ लिखवाऊंगी। कविता का अर्थ लिखिए, प्रश्न है 1, नीचे दिए गए कविता का अर्थ लिखिए, अर्थ लिखिए है ना। यहाँ है कविता दिया गया है, इसको अर्थ आपका लिखना है। नीचे दिए गए कविता का अर्थ लिखिए, पहला कविता आपका है नन्हे नन्हे है ना, डैश डैश आएगा, फिर लास्ट में आ जाएगा आपका आसमान है, यह आसमान है ना। अब इसको क्या करना है आपको, अगर अर्थ नहीं लिखे वाक्य में पूरा कीजिए तो आपको वाक्य में इसको पूरा करना होगा। अगर लिखा है कि अर्थ लिखिए तो आपको अर्थ लिखना होगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, यहाँ आंसर हो जाएगा है ना, ये आप अर्थ लिख सकते हैं है ना। अर्थ ऐसे लिखिए कि हमें छोटे छोटे मत समझो। देखिए यहाँ हमें छोटे छोटे के छोटे मत समझो, मत समझो, हमें छोटे छोटे मत समझो है ना, हमें छोटे छोटे मत समझो, हम भारत की प्रतिष्ठा हैं। देखिए हम भारत की प्रतिष्ठा, हम भारत की प्रतिष्ठा है ना, हम भारत की प्रतिष्ठा है, हमसे ही सारी धरती है, हमसे ही सारी सारी धरती है और यह आसमान भी फैला हुआ है, हमसे ही सारी धरती है और यह आसमान
हमसे ही यह आसमान भला हुआ। सेकंड में है आपका, सेकंड क्वेश्चन पैराग्राफ देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि फूल है हम इस बगिया के, डैश डैश रहेगा काम महान। देखिए फूल है हम, यहाँ लिखेंगे हम फूल है हम, फिर यहाँ आपका डैश डैश आ जाएगा है ना, फिर महान है, देखिए महान है, महान है, ओके। तो इसमें हम इसका अर्थ क्या लिखेंगे, आंसर लिखना है आपको यहाँ इसका, फूल है हम बढ़िया के, देखिए हम इस उपवन के फूल हैं, हम इस उपवन के फूल है, हम इस उपवन के फूल हैं, हम इस उपवन के फूल हैं, हमारा काम खुशबू फैलाना है, हमारा काम खुशबू फैलाना फैलाना है ना, हमारा काम खुशबू फैलाना है, हम महान काम करते हैं इसलिए हम महान काम करते हैं इसलिए हम आगे ही आगे बढ़ते हैं, इसलिए हम आगे ही आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर ऊंचे ही उठते सारे, थर्ड नंबर में देखिए थर्ड नंबर में है ऊंचे ऊंचे है ना, ऊंचे ही उठते उठते यहाँ लास्ट में आएगा शान है ना, ये आपको इसका अर्थ लिखना है, हमें प्रगति करते रहना चाहिए, सर में लिखिए हमें प्रगति करते ही रहना चाहिए है ना, हमें प्रगति करते ही रहना चाहिए, आगे ही आगे बढ़ते रहना है, हम आगे ही बढ़ते रहेंगे, आगे ही बढ़ते रहना है, हम आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे, क्या लिखेंगे हम बढ़ना है, हम आगे बढ़ते ही रहेंगे, कभी नहीं रुकेंगे, हम बढ़ते ही रहेंगे, कभी नहीं रुकेंगे है ना, हम आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे, कभी नहीं रुकेंगे, क्योंकि हम भारत की शान हैं, क्योंकि हम भारत की शान हैं, ओके। ये आपका 1, 2, 3 जो है वो सब 1, 2, 3 पैराग्राफ का सबका आंसर हो गया है ना, कविता को अर्थ में लिखना है तो अर्थ में लिख सकते हैं, वाक्य में लिखना है तो वाक्य अर्थ में लिखना है तो अर्थ में लिख सकते हैं, और इसको पूर्ण करना है तो टेक्स्ट बुक में से देख